साल 2023 इंडियन सिनेमा के लिए तोड़फोड़ मचाने वाला साल था। बड़े पर्दे पर पठान, जवान और एनिमल ने जमकर गदर मचाया। लेकिन इस साल ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस वालों को ही चांदी नहीं दी, बल्कि सॉलिड कंटेंट भी परोसा। ओटीटी पर नेल बाइटिंग, हार्ट वार्मिंग किस्म की फिल्में और सीरीज रिलीज हुई। बेस्ट नामों की लिस्ट बताएंगे, अगर इनमें से कोई देखनी छूट गई हो तो नए साल वाले लॉन्ग वीकेंड का आप पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले बात वेब सीरीज की। एक एनआरआई लड़का शादी करने के लिए पंजाब आता है। कुछ दिन बाद गांव में उसकी लाश मिलती है। उसे किसने मारा, क्या मकसद था, ये पता लगाने की जिम्मेदारी दो पुलिस वालों पर है। शो जब तक खत्म होता है तब तक हम इतना कुछ देख चुके होते हैं कि खूनी की पहचान जानने की कोई इच्छा बाकी नहीं रह जाती। कहाँ आप इसे देख सकते हैं? नेटफ्लिक्स पर। 1997 की उपहार सिनेमा ट्रेजेडी पर आधारित ये सीरीज है। इस घटना के प्रभाव को दर्शाने के लिए सीरीज किसी किस्म की सनसनी का सहारा नहीं लेती। दो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे उस दुर्घटना में मारे जाते हैं। वो इंसाफ के लिए लड़ते हैं। अभय देओल और राजश्री देशपांडे ने उनका रोल किया है। कहाँ आप इसे देख सकते हैं? नेटफ्लिक्स पर। इंडिया की पहली CIIFI यानी क्लाइमेट फिक्शन ये सीरीज है। कहानी शुरू होती है बॉक्साइट माइन और उसका विरोध करने वाले एक प्रोफेसर से। कुछ दिन बाद खबर मिलती है कि प्रोफेसर गायब हो गए। उनकी बेटी जमीनी हकीकत पहुंचने की कोशिश करती है। सामने आने वाले जवाब के लिए वो और ऑडियंस दोनों ही तैयार नहीं है। कहाँ देख सकते हैं? सोनी लिव पर। सीरीज की कहानी हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम काल पर आधारित है। ये सीरीज देखते वक्त एहसास होता है कि हम किस वजह से हिंदी सिनेमा के प्रेम में पड़े हुए हैं। उसके ग्लैमर, चकाचौंध के पार सोने चांदी के बुत बने फिल्म स्टार्स की लाइफ में क्या घट रहा है, वो कैसा इतिहास बना रहे हैं, सीरीज ऐसी बातों को जगह देती है। कहाँ देख सकते हैं? अमेज़न प्राइम पर। शो की कहानी अंडमान निकोबार से खुलती है। एक वायरस आउटब्रेक से लोग बीमार पड़ने लगते हैं। अलग अलग अस्पतालों में रजिस्टर करने वालों की संख्या से वो भरने लगते हैं। इसके पीछे का सच ऐसा होता है जो एक लाइन में बताकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। उसके लिए 7 एपिसोड में बटी सीरीज देखनी होगी। और आप इसे कहाँ से देख सकते हैं? फिर से जवाब भैया, नेटफ्लिक्स पर। अब बात फिल्मों की। इंटरनेट ने पूरी दुनिया हमारे लिए खोल कर रख दी है। अमेरिका से लेकर रूस सब पास आ गया। बस एक छत के नीचे एक शहर में रहने वाले दोस्त ही दूर हो गए हैं। फिल्म इसी पर फोकस करती है। बदलती दुनिया में हमारे लिए प्यार और दोस्ती जैसे शब्दों के मायने कैसे बदल गए हैं, इस पर बात करती है। आप इसे कहाँ देख सकते हैं? नेटफ्लिक्स पर। जैकी श्रॉफ ने बहुत सॉलिड परफॉर्मेंसेस में दी है। एक रिटायर्ड आदमी बने हैं जो अपनी जिंदगी के फेर में ही फंसा हुआ है। लाइफ में मिसेज हांडा की एंट्री होती है। दोनों में कुछ अधूरा है, साथ मिलकर उसी को पूरा करते हैं। उनके जैसे और भी लोगों को सिर्फ ऑडियंस की नज़र से नहीं दिखाया गया, बल्कि मुंबई शहर की नज़र से भी हम उनकी दुनिया देखते हैं। आप इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। दिल्ली का एक घर है, गुलमोहर विला, पुश्तैनी धरोहर है। घर में बसता है बत्रा परिवार। उनकी माँ ने ये घर बेच दिया है। चंद दिन है उनके पास, उसके बाद नए घर जाना होगा। इन चंद दिनों की मोहलत माँ ने ली है। वो चाहती है कि पूरा परिवार एक आखिरी बार साथ होली मनाकर इस घर से विदा हो। होली आने तक इन लोगों के बीच उस एक छत के नीचे क्या क्या घटता है, ये फिल्म की कहानी है। मनोज वाजपेयी और शर्मिला टैगोर अहम भूमिकाओं में है। आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी एक 16 साल की लड़की के बारे में है जिसे देश के एक चर्चित साधु ने मोलेस्ट किया है। कोई भी उस स्वघोषित साधु के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है। ऐसे में PC सोलंकी नाम का एक वकील ये केस लड़ने को तैयार होता है। मसला ये है कि उस साधु के बहुत सारे अंधभक्त हैं जो ये बात स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि साधु बाबा ऐसा कुछ कर सकते हैं, और उसके समर्थन में मोर्चे निकाले जाते हैं। हिंसा होती है, राजनीति होती है। देखना बस ये बाकी रहता है कि न्याय हो पाता है या नहीं। आप इसे कहाँ देख सकते हैं? कहानी सेट है मथुरा में। MLA साहब के दो अंकल होंक ब्रिज के कटहल चोरी हो गए हैं। पूरी पुलिस फोर्स उन्हें ढूंढ रही है। पुलिस के पास तमाम महत्वपूर्ण काम है, पर माननीय से ज्यादा महत्वपूर्ण भारतीय लोकतंत्र में कभी कुछ रहा है या हो सकता है। ऐसी एक दो खबरें आपको याद भी आ रही होंगी जिसमें किसी नेता का यहाँ से कुछ चोरी हुआ हो और पुलिस महकमा सब काम छोड़कर उसके पीछे लग गया हो। कटहल ऐसी ही घटनाओं पर बनाई गई एक बारीक व्यंग की फिल्म है। आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। अगर हमसे कोई नाम मिस हो गया हो और वो आपके पसंद
सुनकर रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी ये सारी जानकारी मेरे साथी यमन ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है और सिनेमा से जुड़े तमाम अपडेट्स लेने के लिए आप ललन टॉप सिनेमा पर आते रहिएगा। नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया।